हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एडुकेयर पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंजेक्शंस के बारे में, यानी कौन कौन सा इंजेक्शंस है जो क्लिनिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज होता है, और इन सब इंजेक्शंस के बारे में पता होना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है इंजेक्शंस यूज्ड इन गैस्ट्राइटिस। सो गैस्ट्राइटिस यानी पेट में अगर गैस है या जलन हो रही हो तब कौन कौन सा इंजेक्शन यूज करना होता है। तो गैस्ट्राइटिस के लिए यूज किया जाता है रैनिटिडाइन इंजेक्शन एंड पेंटोप्राजोल इंजेक्शन। तो ये दो इंजेक्शन गैस्ट्राइटिस के लिए दिया जाता है। रैनिटिडाइन जो इंजेक्शन है इसका डोज कितना होता है, तो इसका डोज होता है 50 mg। अगर इसका रूट के बारे में बात करें तो ये IM और IV दिया जाता है, यानी कि इसको इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस यूज किया जाता है। एंड सेकेंड वन जो पेंटोप्राजोल इंजेक्शन है इसका डोज है 40 mg एंड इसका रूट है IV यूज ओनली, यानी ये सिर्फ इंट्रावेनस के लिए यूज होता है। सेकेंड है एनाल्जेसिक यानी पेन एंड फीवर रिलीविंग इंजेक्शंस। तो चलिए देखते हैं पेन और फीवर रिलीविंग के लिए कौन कौन सा इंजेक्शन यूज होता है। तो फर्स्ट है डाइक्लोफेनाक सोडियम इंजेक्शन। तो इसका यूज तब किया जाता है जब किसी पर्सन को पेन हो रहा है। तो अगर बॉडी में कहीं भी पेन हो तब डाइक्लोफेनाक सोडियम इंजेक्शन का यूज किया जाता है। सेकंड जो इंजेक्शन है वो है PCM इंजेक्शन। तो PCM का मतलब है पैरासीटामोल इंजेक्शन। इसका यूज फीवर में किया जाता है, यानी किसी भी पर्सन को अगर बुखार हो गया हो तो बुखार उतरने के लिए PCM इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एनाल्जेसिक इंजेक्शन है मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन। इसको भी पेन में यूज किया जाता है, लेकिन ये जो मॉर्फिन सल्फेट इंजेक्शन है इसका यूज तब किया जाता है जब किसी पर्सन को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा है, यानी ये इंजेक्शन विशेष रूप में कैंसर, मायोकार्डियल इन्फ्लक्शन एंड सर्जरी से जुड़े दर्द में यूज किया जाता है। तो ये था हमारा एनाल्जेसिक इंजेक्शंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी एमेटिक इंजेक्शंस। यानी एंटी एमेटिक का मतलब क्या होता है? तो एंटी का मतलब है अगेंस्ट एंड एमेटिक का मतलब होता है वोमिटिंग। तो वोमिटिंग का अगेंस्ट जो मेडिसिन काम करता है उनको हम कहता है एंटी एमेटिक इंजेक्शंस। तो अगर किसी भी पर्सन को वोमिटिंग या उल्टी आ रही है तो उसको रोकने के लिए एंटी एमेटिक इंजेक्शंस को दिया जाता है। इस कैटेगरी में 3 इंजेक्शन आता है। तो पहला है ओंडेन सेट्रोन इंजेक्शन, और ये MSZ नाम से सबसे ज्यादा फेमस है। सेकेंड जो इंजेक्शन है वो है मेटो क्लोपेरामाइड इंजेक्शन, एंड थर्ड वन इज डोमपेरिडोन इंजेक्शन। तो ये 3 इंजेक्शन मेनली यूज किया जाता है वोमिटिंग या उल्टी को रोकने के लिए। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंजेक्शंस फॉर एब्डोमिनल पेन, यानी पेट में जब दर्द होता है तब कौन कौन सा इंजेक्शंस यूज किया जाता है। तो पहला है डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन, एंड सेकेंड है ड्रोटाभेरिन इंजेक्शन। डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन लगाने के बाद भी अगर दर्द कम ना होता है तब ड्रोटाभेरिन इंजेक्शन लगाया जाता है। ये दोनों इंजेक्शन लगाने के बाद भी अगर किसी भी पर्सन का दर्द कम नहीं होता है तो उसके बाद हायोसाइन इंजेक्शन लगाया जाता है। तो ये 3 इंजेक्शन मेनली एब्डोमिनल पेन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस के बारे में। तो अगर किसी भी पर्सन को एलर्जी हो गए हो तब कौन सा इंजेक्शन यूज किया जाता है। तो पहला है फेनिडामाइन इंजेक्शन, ये इसका ब्रांड नेम एविल नाम से सबसे ज्यादा फेमस होता है। सेकंड है डेक्सामेथासोन, तो इसका जो ब्रांड नेम है डेक्सोना नाम से ये सबसे ज्यादा जाना जाता है। फिर आता है बीटामेथासोन एंड डाइफेनहाइड्रामाइन। तो ये 4 इंजेक्शन मेनली एंटी एलर्जिक के तौर पर यूज होता है। और एक बात, अगर किसी को गलती से कोई इंजेक्शन लगा दी गई हो तो उसके साइड इफेक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए भी एविल और डेक्सोना इंजेक्शंस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इंजेक्शंस फॉर वीकनेस, यानी कि अगर किसी भी पर्सन को कमजोरी महसूस हो तब कौन से इंजेक्शन यूज करना होता है। तो कमजोरी के लिए मीकोबलामाइन इंजेक्शन एंड पॉलीबायन इंजेक्शन, जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की इंजेक्शन है, तो ये 2 इंजेक्शन यूज किया जाता है वीकनेस के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के बारे में। तो एंटीबायोटिक तो ऐसे बहुत सारा होता है, लेकिन हम कॉमनली 3 एंटीबायोटिक्स का बात करेंगे। तो पहला है जेंटामाइसिन इंजेक्शन, दूसरा है एमिकासिन इंजेक्शन, और थर्ड वन इज सेप्टाइजोन इंजेक्शन। तो ये जो एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन है ये कब यूज किया जाता है, तो ये लंग इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, UTI या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी सभी प्रकार का बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीबायोटिक इंजेक्शंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इंजेक्शंस फॉर स्टॉप ब्लीडिंग, यानी अगर किसी भी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया हो और उसको हैवी ब्लीडिंग हो रहा है हो तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन सा इंजेक्शन यूज किया जाता है।
तो हैवी ब्लीडिंग या एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए ट्रानेक्जमिक एसिड इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इस इंजेक्शन का ब्रांड नेम है ट्रानेक्जा, तो यह ट्रानेक्जा नाम से सबसे ज़्यादा फेमस है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मैंने जितनी सारी इंजेक्शंस के बारे में बताया आप लोगों को, वो विदाउट डॉक्टर्स ऑर्डर अपने आप से कभी भी यूज़ मत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।